हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 5 अगस्त और आज के करंट अफेयर्स पे पहुंचने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्य न्यायमूर्ति के एम जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है, वो किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको अब सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में बात की गई, तो आइए देख लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके के फैक्ट बनते हैं। जैसे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उत्तराखंड के वर्तमान के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कृष्ण कांत पाल हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य निवेश सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो दिल्ली निवेश सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। अभी जल्दी ही एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को निवेश सूचकांक में शीर्ष पर रखा गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पिछली बार कौन शीर्ष पर रहा था, तो पिछली बार गुजरात को शीर्ष पर रखा गया था, लेकिन अब की बार दिल्ली। अच्छा, अब की बार दिल्ली शीर्ष पर है, तो आपसे पूछा जाए सेकेंड स्थान पर कौन है, तो सेकेंड पर है तमिलनाडु और थर्ड स्थान पर आ गया है गुजरात। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस दूसरे क्वेश्चन से। अच्छा, यहाँ पर दिल्ली के बारे में बात की गई, तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए दिल्ली इंडिया की राजधानी कब बनी, तो 1911 ईस्वी में घोषणा की गई थी और 1912 ईस्वी में दिल्ली को इंडिया की राजधानी बना दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली से पहले इंडिया की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता को दिल्ली से पहले इंडिया की राजधानी माना जाता था, लेकिन 1912 में दिल्ली को इंडिया की राजधानी बना दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए नई दिल्ली इंडिया की राजधानी कब बनी, तो 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली इंडिया की राजधानी बनी थी। तो इतनी जानकारी दूसरे क्वेश्चन से। आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कितने देशों के दौरे पर गई हैं? वो 3 देशों के दौरे पर गई हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 3 देश कौन कौन से हैं। तो आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 3 देश हैं जहाँ पर सुषमा स्वराज जी गई हैं। तो आइए देख लेते हैं इनसे रिलेटेड जीके के कुछ क्वेश्चन। जैसे कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, कजाकिस्तान की मुद्रा टेंगो और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट नूरू सुल्तान नजरबे हैं। ठीक, अब आइए किर्गिस्तान के बारे में बात करते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है सोम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सूरो नबे जीन बेकोव, सूरो नबे जीन बेकोव। ठीक, अब आइए देखते हैं उज्बेकिस्तान, यहाँ की राजधानी है ताशकंद और यहाँ की मुद्रा है सोम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अरीपोव। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर सुषमा स्वराज जी के बारे में। एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाली फीमेल पॉलिटिशियन कौन है? तो सुषमा स्वराज जी ट्वीट पर फॉलो की जाने वाली सबसे ज़्यादा, मतलब ट्वीट पर फॉलो की जाने वाली फीमेल पॉलिटिशियन है। अच्छा, मेल पूछा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हैं और तीसरे स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कितने कोर मार्क हासिल किए हैं? तो 5 कोर मार्क उज्ज्वला योजना ने हासिल किए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सक आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा ये कोर मार्क हैं क्या, तो आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कोर मार्क का मतलब होता है करोड़, है ना, यानी अब तक 5 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला योजना का कनेक्शन करवा लिया है या करवा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जानते होंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी गरीबों में गैस कनेक्शन फ्री करवाया जाता था, उसी को बोला जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो उसी के तहत इनका एक आंकड़ा था कि 5 करोड़ कनेक्शन करवाना, तो वो पूरा कर लिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी, तो 2 साल में ही इन्होंने अपना टारगेट यानी 5 करोड़ कनेक्शन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से। अब आइए देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। किस महिला न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 3 सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीश रहेंगी? तो इंदिरा बनर्जी के साथ ही, इंदिरा बनर्जी थी जिनको अब शामिल किया गया है, तो इनके साथ 2 अन्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल थी, यानी 2 पहले से ही थी और ये तीसरी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 महिला हों।
ठीक है, तो दो पहले ही शामिल हो गई थी, तो आइए देख लेते हैं तीनों लोग हैं कौन कौन। तो पहली थी आर बनुमति, इनको शामिल किया गया था 2014 में, और दूसरी हैं इंदु मल्होत्रा, इनको शामिल किया गया था 2018 में ही, और ये 2018 में ही अगली इनको इंदिरा बनर्जी को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह तीन लोग एक साथ सेवानिवृत्त हैं, न्यायाधीश महिला न्यायाधीश हैं जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं, ठीक है, एक साथ तीन लोग। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई, तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो दीपक मिश्रा जी हैं, अभी जानते ही होंगे, हाल में ही इनका इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, वर्तमान में पूछा जाए कि न्यायाधीश हैं कितने, तो वर्तमान में हैं 22, लेकिन आप जानते हैं कि 31 हो सकते हैं, 30+1 है ना, लेकिन हैं कितने वर्तमान में, 22, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से। अब आइए देख लेते हैं आज का छठा क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने किस देश में नया सेंसर सर्च इंजन लॉन्च करने का निर्णय लिया है, तो चीन में गूगल ने अपना नया सर्च इंजन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये चाइना में गूगल ने पहले भी सर्च इंजन लॉन्च किया था, लेकिन 8 साल पहले चीन ने गूगल पर रोक लगा दी थी, ठीक है, परंतु अब फिर से गूगल चीन में नया सर्च इंजन लॉन्च करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीन के बारे में बात की गई, तो चीन के इंपॉर्टेंट फैक्ट जीके के रिलेटेड आइए पढ़ लेते हैं। जैसे चीन की राजधानी पूछा जाए तो सभी लोग जानते हैं बीजिंग, मुद्रा रेन मिनवी, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, तो सभी लोग जानते हैं शी जिनपिंग है इस समय यहाँ के प्रेसिडेंट, है ना। अब आइए देख लेते हैं आज का 7वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्था का अध्यक्ष कौन सा देश चुना गया, तो भारत को चुना गया है, गर्व की बात है ना, एशिया प्रशांत संस्था का अध्यक्ष भारत को चुना गया था, ये चुना गया है। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, एशिया प्रशांत संस्था की अभी 44वीं बैठक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुई थी, वहीं पर भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं आज का 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सुरक्षा सहायता में कटौती की है, तो पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता में कटौती की गई है, यानी अमेरिका अब तक पाकिस्तान को कुछ सुरक्षा सहायता देता था, अब उसमें कुछ कटौती कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बात की गई, तो आइए देख लेते हैं पाकिस्तान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, तो यहाँ के पीएम अभी जल्दी ही बने हैं, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इनका चुनाव अभी जल्दी ही हुआ था, तो इमरान खान की पार्टी जीती थी, यानी इस समय पीएम वहाँ के इमरान खान हैं, और प्रेसिडेंट ममनून हुसैन हैं, और यहाँ के मुद्रा रुपया है। अच्छा, एक क्वेश्चन जीके से रिलेटेड अभी जल्दी है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे, पाकिस्तान में पहली बार नॉन मुस्लिम पीएम बने, एमपी बने, है ना, तो ये महेश मलानी थे जो नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम एमपी बने थे, ठीक है, ये पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे, तो इसका रिवीजन भी हो गया। आइए देख लेते हैं आज का 9वां क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगाई है, तो फिनो पेमेंट बैंक पर रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी है, तो यानी इस क्वेश्चन का फिनो बैंक फिनो पेमेंट बैंक आंसर है। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 4 पेमेंट बैंक हैं, तो कौन कौन सी हैं, आइए थोड़ा सा देखते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, और इंडिया पेमेंट बैंक, और लास्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक, है ना, तो ये 4 पेमेंट बैंक हैं इस समय इंडिया में, ठीक है, तो जिसमें से फिनो पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात की अभी हम लोगों ने पेटीएम पेमेंट की, है ना, या पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक से एक क्वेश्चन हम लोग पिछले करंट अफेयर्स में किसी दिन डिस्कशन किए थे, उसमें आपसे बताया गया था कि पेटीएम की सीईओ ने अभी जल्दी ही इस्तीफा दिया है ना, या किस पेटीएम किस पेमेंट बैंक की सीईओ ने अभी इस्तीफा दिया है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक की सीईओ ने इस्तीफा दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि उनका नाम क्या है, तो रेणु सती सीईओ थी
पेटीएम पेमेंट बैंक की, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। तो अच्छा, यहाँ पर इसकी बात की गई थी फिनो पेमेंट बैंक की, तो इसके बारे में आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 2006 में, और यहाँ के सीईओ हैं रिस यहाँ के सीईओ थे हैं अभी भी हैं ऋषि गुप्ता, ठीक है। और यहाँ पर आरबीआई के बारे में बात की गई थी, तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। अब आरबीआई के गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल हैं। ये किस नंबर के हैं, तो ये 24वें नंबर के हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं आज का 10वां क्वेश्चन, यानी अंतिम क्वेश्चन। किस राज्य ने अपनी पहली व्यापार एवं निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है? तो जम्मू कश्मीर ने पहली व्यापार एवं निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने व्यापार एवं निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है, यह 10 साल के लिए लागू होगा, ठीक है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में बात की गई, तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी जम्मू कश्मीर में है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर्स था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। वीडियो